Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our English grammar class. In this class, we will do the revision of chapter 1 to 8. Okay, पहले मैंने आपको वीडियो में इंग्लिश में बताया था कि आपको कैसे रिवीजन कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से आपको पेपर को लिखना है. ठीक है, अब मैं आपका ग्रामर का रिवीजन बता रही हूँ और राइटिंग सेक्शन का. ठीक है, ग्रामर में आपको चैप्टर 1 से 8 आपका सिलेबस है. आइए हम रिवाइज करते हैं. सबसे फर्स्ट हमारा चैप्टर है बच्चों द सेंटेंसेस. सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कम्प्लीट सेंस. मतलब सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कम्प्लीट सेंस बनाते हैं. ठीक है, जैसे कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. अगर वो रीअरेंज्ड नहीं है, अरेंज नहीं है, तो उसका अगर कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया ही माई फ्रेंड इज. ठीक है, अब क्या इसका कोई भी मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा. तो मतलब कि ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है. इसको सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इसको अरेंज करेंगे, दैट इज माय फ्रेंड. अब इसका एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है इससे कि वो मेरा फ्रेंड है. ठीक है, तो ये क्या होगा? ये सेंटेंस होगा. तो इसलिए इसमें एक्सरसाइज है कि इसमें वर्ड्स को जंबल कर दिया, मतलब वर्ड्स इधर उधर कर दिए, हमको उन्हें फिर से अरेंज करके प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. जैसे सी वी विथ अवर विथ आईज आर, तो इसका प्रॉपर सेंटेंस क्या होगा? वी सी विथ अवर आईज. जैसे लिख दिया माय कंट्री इज इंडिया, तो इंडिया इज माय कंट्री. कैन नॉट सी ब्लाइंड मैन आ, तो अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी. तो बर्ड्स को इन्होंने जंबल्ड कर दिया, मतलब वर्ड्स इधर उधर कर दिए, हमको उन्हें फिर से अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड हेडिंग में पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. अब सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो मैंने बताया था दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट नाउन पार्ट होता है और प्रेडिकेट वर्ब पार्ट होता है. मतलब सब्जेक्ट में जिसके बारे में बात की जाती है और प्रेडिकेट जिस किसी पर्सन के बारे में क्या बात की जा रही है वो प्रेडिकेट होता है. ठीक है, देखिए जैसे कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर. महात्मा गांधी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट लीडर थे, महान नेता थे. ठीक है, तो किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी क्या हुआ? सब्जेक्ट हुए. और प्रेडिकेट क्या हुआ? वॉज अ ग्रेट लीडर, मतलब ये वर्ब पार्ट है. ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है सेंटेंस का वो होता है प्रेडिकेट. ठीक है, तो ये कैसे आ सकते हैं? या तो मैं ये बोल दूंगी कि आपको सेंटेंसेस को अंडरलाइन, सॉरी सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट को सर्कल करना है. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अजय मेड अ स्नोमैन. अजय ने एक स्नोमैन बनाया. ओके, अब इसमें मैंने बोला कि आपको सब्जेक्ट को तो अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट को सर्किल करना है. तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? अजय है. तो अजय को हमने अंडरलाइन कर दिया और जो भी हमारा प्रेडिकेट है हमने उसको सर्कल कर दिया. ठीक है, ये इस तरीके से आपको आएंगे पेपर में. अगर आएंगे तो इस तरीके से आएंगे कि मैं बोलूँगी कि सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन करो और प्रेडिकेट जो है उसको आप एनसर्किल करो. ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड है स्पेशल नेम्स. अब स्पेशल नेम मतलब किसी भी चीज़ का, पर्टिकुलरली जब हम किसी को नेम देते हैं तो वो क्या होता है? स्पेशल नेम. जैसे दिस इज़ अ बॉय, हिज नेम इज़ पुनीत. ये एक लड़का है और इसका नाम क्या है? पुनीत है. तो पुनीत क्या हुआ? ये उसका स्पेशल नेम हुआ. जैसे दिस इज़ अ बॉय, ही इज़ रणवीर. ये एक लड़का है, इसका नाम क्या है? रणवीर है. तो रणवीर उसका क्या हुआ? स्पेशल नेम हुआ. ठीक है, इसमें टिक द करेक्ट है. जैसे बॉय इज अ डैश नाउन. बॉय कैसा नाउन है? कॉमन है, स्पेशल है, प्रोनाउन है या नाउन है? तो ये क्या है? कॉमन नाउन है. ठीक है, मैंने बोला बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है. सारे जो भी लड़के हैं वो बॉय होते हैं. ठीक है, तो बॉय कोई भी हो सकता है. लेकिन मैंने बोल दिया पुनीत, तो पुनीत में एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है. ठीक है, तो वो होगा स्पेशल नाउन. और मैंने बोला बॉय, तो वो होगा कॉमन नाउन. रणवीर इज अ डैश नेम, तो रणवीर कौन सा नेम हुआ? रणवीर स्पेशल नेम हुआ. अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो दैट इज स्टेटमेंट सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस एंड कमांड सेंटेंस. स्टेटमेंट मतलब जिसमें हमें कुछ बता रहे हैं या कुछ कह रहे हैं.
क्वेश्चन सेंटेंस जिसमें कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, या कमांड में जो हमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप से एंड होते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस में हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और कमांड सेंटेंसेस में भी हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। इसमें भी टिक द करेक्ट है। मेन काइंड ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं, 1, 2 और 3, तो 3 लिखना है। और सेंटेंस दैट सेज और स्टेट समथिंग, वो सेंटेंस जो कुछ बता रहा है या कुछ कह रहा है, तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। एट द एंड ऑफ अ कमांड सेंटेंस वी पुट, कमांड सेंटेंसेस के एंड में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। एंड एट द एंड ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस वी पुट, क्वेश्चन सेंटेंसेस के एंड में क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाँ, ये भी देख लीजिए, हमें ये क्लासिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा कमांड है। तो व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने क्या क्वेश्चन किया ना कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो ये क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन सेंटेंस होगा। अब मैंने बोला लीव द रूम, रूम छोड़कर चले जाओ, तो ये मैं कमांड दे रही हूँ, तो ये क्या होगा, ये कमांड सेंटेंस होगा। नाउ माई मदर इज अ हाउस वाइफ, मेरी मदर एक हाउस वाइफ, ये जस्ट सिंपल मैं एक बता रही हूँ बात, तो ये क्या होगा बच्चों, ये एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है। नाउन देखिए, नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी भी जगह का नाम, किसी भी पर्टिकुलर जॉब का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी किसी पर्सन का नाम, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। अब इसमें हेडिंग है से वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, वन वर्ड बताना है। तो द पर्सन हु कट योर हेयर, जो हमारे बाल काटता है उसको क्या बोलते हैं, बार्बर। द पर्सन हु ट्रीट पेशेंट, जो पेशेंट्स को ठीक करता है वो क्या होगा, डॉक्टर। द पर्सन हु टीचेस यू एट स्कूल, जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वो कौन होते हैं, टीचर। द पर्सन हु मेंड्स योर शूज, जो आपके शूज को ठीक करता है वो कौन होगा, कॉबलर। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, अशोका वॉज अ वाइज, अशोका बहुत वाइज कौन था, किंग था। आई प्राउड टू बी एन इंडियन, डैश आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, डैश इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली, तो डेट इज न्यू दिल्ली। और लास्ट में से हमें सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें से हमें नाउन्स पिक आउट करने हैं, तो कैसे करेंगे, जैसे लायंस आर फाउंड इन अफ्रीका, लायंस कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में, तो इसमें नाउन क्या क्या हुआ, लायन हुआ, लायन एक एनिमल का नेम है, और अफ्रीका, अफ्रीका एक कंट्री का नेम है। नाउ द वॉल्फ किल्ड द गोट, वॉल्फ ने गोट को मार दिया। अब इसमें नाउन क्या क्या हुआ, वॉल्फ और गोट, ये दोनों एनिमल के नेम है। माइस फियर कैट्स, चूहों को बिल्ली से डर लगता है, तो माइस और कैट यहाँ पे नाउन हुए। द बॉय एट अ मैंगो, यहाँ पे बॉय और मैंगो क्या हुए, नाउन। बॉय एक लड़के का नाम है और मैंगो एक फ्रूट का नेम है। नाउ सिक्स चैप्टर है आपका, वन और मैनी, मतलब एक या एक से ज्यादा, ठीक है। जैसे किसी भी हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, सिंगुलर, और एक से ज़्यादा के बारे में बोल रहे हैं तो वो प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ एप्पल। और अगर कई सारे एप्पल हैं तो हम क्या बोलेंगे, एप्पल्स। एक बुक है तो बुक, कई सारी बुक्स हैं तो बुक्स। एक बलून है तो बलून, कई सारे बलून है तो बलून्स, ठीक है। एस या ईएस लगा के हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। अब देखिए एस लगा के कैसे बनाते हैं, जैसे लायन में हमने एस लगा दिया तो क्या होगा, लायंस। कैप में एस लगा दिया तो कैप्स, तो ये उसका प्लूरल होता है। बैल का प्लूरल क्या होता है, बैल्स, ठीक है। ये आपको आ सकते हैं एग्जाम में, देखिए जैसे कि मैंने बोला एस लगा के प्लूरल बनाना है, तो मैंने लिख दिया चेयर, तो चेयर का प्लूरल क्या होगा, चेयर्स, ठीक है। तो एस लगा के ये प्लूरल फॉर्म बन गया। चिक, चिक का प्लूरल क्या होगा, चिक्स। एक चिक है तो चिक बोलेंगे, और बहुत सारे हैं तो चिक्स बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो चिक्स बोलेंगे। काऊ, काऊ का प्लूरल क्या होगा, काउस, ठीक है। अब ईएस लगा के कैसे बनाएंगे, जैसे बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल करना है, बॉक्स का प्लूरल क्या होगा, बॉक्सेस, ठीक है। और क्लास का प्लूरल, तो क्लास का प्लूरल क्या होगा, क्लासेस, ठीक है। ऐसे हमें एस और ई एस लगा के, अगर मैं बोलूँ एस लगा के प्लूरल फॉर्म बनाना है तो आपको वर्ड के बाद एस लगा देना है तो प्लूरल बन जाएगा। मैं बोलूँ अगर ई एस लगा के बनाना है तो ई एस लगा दोगे तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। नाउ सेवन है मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर, जैसे हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है वैसे इंग्लिश में मैस्कुलिन और फेमिनाइन। पुल्लिंग मतलब मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनाइन जेंडर।
इसको मैं चेंज करने के लिए भी दे सकती हूँ आपको, जैसे हॉर्स का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, मेयर, सर का मैडम, लॉर्ड का लेडी, फॉक्स का विक्सन, बॉय का गर्ल, तो ये सभी को लर्न होने चाहिए। एट हेडिंग है, एट चैप्टर में है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या बताया था मैंने, नाउन की प्लेस पे जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट हेडिंग है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरलाइन द नाउन्स यू वुड लाइक टू रिप्लेस विद द प्रोनाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब हमें इसमें से नाउन को अंडरलाइन करना है सेकेंड वाले सेंटेंस में, और उसकी जगह जो हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो हमें लिखना है। तो जैसे आई सॉ द चाइल्ड वॉज क्राइंग, मैंने वो बच्चे को देखा, वो बच्चा क्या कर रहा था, रो रहा था। तो इसमें द चाइल्ड दो बार आ रहा है, तो हम द चाइल्ड की जगह क्या लिख देंगे, ही। तो आई सॉ द चाइल्ड ही वॉज क्राइंग, ऐसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक से ही शी और दे को यूज करना है, तो बॉय के लिए हम ही यूज करेंगे, गर्ल के लिए शी, और अगर गर्ल या बॉय दोनों हैं तो हम उसकी जगह दे का यूज करेंगे, ठीक है। तो ही इज स्विमिंग, दे आर स्किपिंग, शी इज स्टैंडिंग, दे आर टॉकिंग। अब राइटिंग सेक्शन में बच्चों आपको एप्लीकेशन और ऐसे करना है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको वही रखना है जो मैंने आपको कॉपी में लिखवाया है। एप्लीकेशन जब भी आप लिखेंगे तो आप एक न्यू पेज से एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि हमारा यहाँ तक पेपर हुआ, हमने बीच पेज में से ही एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी, नहीं। न्यू पेज से आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, ऐसे कि मैं आपको जितनी लाइन्स बोलूँ उतनी लाइन्स आपको लिखना है, ठीक है। आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।